अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन और बॉम्बिल मच्छी का सालन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तवे में बॉम्बिल मच्छी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। जब तक मच्छी रोस्ट हो रही है तब तक हम सालन बनाने के तरफ बढ़ेंगे। पतीले में हम 4 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस्ड कटी हुई। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम प्याज को ज्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, अब हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसका छिलका मैंने निकाल लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन जो कि मैंने ग्रेट कर लिया है और 1 मैगी क्यूब जो कि ऑप्शनल है। इन सबको डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक ढककर पका लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम डालेंगे मसाले पाउडर जो यूं है के 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून सूखा नारियल पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हम ढक कर स्लो फ्लेम पर तेल छूटने तक पका लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब हम डालेंगे 400 ग्राम बैंगन। इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और नमक के पानी में रखा था ताकि ये काले ना हो। अब हम इन बैंगनों को मसाले में डालेंगे। अब हम डालेंगे पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हो। मैं इधर गर्म पानी डाल रही हूँ, आप चाहिए तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो। और मैंने इधर 3 कप पानी यूज किया है। अब हम इसको ढक कर बैंगन 80% तक गलने तक पका लेंगे। एक बार हम सालन को हिलाकर फिर से ढक देंगे। बैंगन हमारे 80% गल गए हैं, अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून इमली का पेस्ट। अब हम डालेंगे ड्राई रोस्ट किया हुआ बॉम्बिल मच्छी। मैंने मच्छी को ड्राई रोस्ट करने के बाद 3-4 पानी से धो लिया था और मैं अभी बॉम्बिल मच्छी को डाल रही हूँ। बॉम्बिल मच्छी को डालने के बाद हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। अगर आप मच्छी डालने के बाद आप इसको ज्यादा पकाते हो तो मच्छी टूट जाएगी, इसलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए पका लीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा सालन बनके तैयार है। ये बहुत स्वादिष्ट रहता, आप इसको वाइट राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी को भी बजा देना। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।